आप लोग देख पा रहे होंगे लावा का मोबाइल है। तो दोस्तों इस पे जो नेटवर्क टावर जो है जो सिम एयरटेल का है और इस पे टावर नहीं बता रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इस पे कहाँ से प्रॉब्लम है। और दोस्तों इस पे सेटिंग जो है सेटिंग से भी नहीं लग रहा है कि समस्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेटिंग से भी कोई बंद नहीं किया गया है, लेकिन इस पे जो टावर आता है टावर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। तो आइए देखते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग किस पे सिम लगा हुआ है और जो नेटवर्क टावर लगा हुआ है टावर के लिए जो इस पे ऊपर में कवर देख पा रहे होंगे स्टील का, तो ये भी ठीक ठाक है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या किट से है प्रॉब्लम। तो दोस्तों हम इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। जो स्क्रू लगा है इस पे स्क्रू हम बाहर निकाल देते हैं इस तरह से बारी बारी से। तो आइए दिखाते हैं आगे। दोस्तों इसमें जो स्क्रू लगा हुआ था हम पूरा स्क्रू बाहर निकाल दिए हैं और जो ये कवर है कवर को हम ओपन करेंगे इस तरह से। और ओपन करने के बाद हम जो जो किट है इस पे किट को हम बाहर निकालेंगे और मल्टीमीटर के सहायता से हम इसको चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो दोस्तों एक जो प्लेट है बाहर निकल चुका है और हम इसको हम मापेंगे मल्टीमीटर से इसमें कितना पॉइंट आ रहा है। वज्र में हम सेट करते हैं कंटिन्यूटी में मीटर को, तो इसको देखेंगे हम कितना आ रहा है इस पर। तो वज्र में देख रहे हैं पूरा कंटिन्यूटी बता रहा है, क्योंकि इस तरह से नहीं बताना चाहिए। कोई इसमें डायोड या कंडेंसर ख़राब हो सकता है, इसके वजह से जो सिग्नल है सिग्नल में जो पॉइंट नहीं आ रहा है। तो देख पा रहे होंगे जो डायोड कंडेंसर है कैपेसिटर वो शॉर्ट हो चुका है दोस्तों, ये पूरा वज्र आ रहा है पॉइंट नहीं आ रहा है इस पर। तो इसको हम रिमूव करते हैं और फिर आप लोग के दिखाते हैं ये कहाँ से फॉल्ट है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जो इस पे नेटवर्क आईसी जो लगा हुआ है वो डैमेज हो गया था, इसलिए हम इसको हार्डवेयर और करके इसको जो ठीक किए हैं। और देख पा रहे होंगे आप लोग के दिखाना चाहेंगे इस पे टावर आया कि नहीं। तो दोस्तों मोबाइल ओपन हो रहा है और इस पे देखेंगे टावर इस पे आ रहा है कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे पूरा दोस्तों टावर कंप्लीट हो चुका है,
पूरा खुटी आ चुका है दोस्तों इसमें, ये देख पा रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।